हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड होप आप सब अपने घर पे ठीक होंगे, ओके। और आज अपने फैमिली का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्चुअली दो स्टॉक से रिलेटेड, इंडिया मार्ट एज वेल एज इन्फो एज, टू आई से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। और ये स्टॉक अगर बात करें, कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं, एक विदाउट रिजल्ट गिरते जा रहा है, एक रिजल्ट आने के बाद गिरते जा रहा है। कब तक गिरेंगे एक बार उसका जायज़ा लेंगे। और अगर बात करें कि आगे क्या होने वाला है एग्जैक्टली, एक कहते हैं स्पेकुलेशन, तो उस स्पेकुलेशन को करके देखेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज ये यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर आप वीडियो डाली गई है, Q4 के रिजल्ट हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, टाटा पावर, वोल्टास, UPL, यहाँ पर 6 कंपनी के रिजल्ट हैं। एज वेल एज अगर हम बात करें, यहाँ पर 20 वैल्यू बाइंग स्टॉक्स हैं, एज वेल एज यहाँ पर कैडिला हेल्थ केयर और यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक से रिलेटेड बातें की गई है, जहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न हमें मिलते हुए नजर आए हैं, जहाँ पर और इन स्टॉक्स के बारे में हमने आपको बताया था। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो एक एक करके बात कर लेते हैं इन्फो एज फंडामेंटली काफ़ी साउंड स्टॉक है, ओके, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। बट कंटिन्यूसली अगर बात करें 6 मंथ की, तो ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में बताया ही है आपको कि इसी रेंज में, मतलब इस रेंज में ये काफ़ी टाइम से घूम रहा है। इस एक ही रेंज अगर पकड़े तो ये रेंज है इसकी, इस रेंज में ये बार बार घूमते जा रहा है, इधर ही ये कंसोलिडेट कर रहा है। और ये शायद कंसोलिडेट तब तक करेगा जब तक इसके रिजल्ट नहीं आते, या फिर ये तब तक करेगा जब तक जोमेटो का IPO नहीं आ जाता, या फिर पॉलिसी बाजार के IPO के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसकी से यहां पर है, इससे रिलेटेड न्यूज नहीं आ जाती ना, तब तक ये इसी डेट में इसी में कंसोलिडेट करने वाला है। बट आपको बताना चाहता हूं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, 2006 से ये स्टॉक एग्जिस्टेंस रखता है, और उस टाइम से यहां पर अगर बात करें तो इसने मल्टी बैगर रिटर्न दिए आपको। और अगर एक साल की बात की जाए तो ये स्टॉक 1000 रुपए के आसपास चलता था, और इस तरीके से भागा है ना ये स्टॉक। तो आप देख सकते हैं इसके जो इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो कि 2-3 कंपनी तो यूनिकॉर्न बन गई, यूनिकॉर्न मीन्स 1 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है। तो आपको बताना चाहता हूँ ऐसे बिजनेस मॉडल में इसने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो इस कंपनी की तरफ आप बिलीव करके रखिए, बिलीव बना के रखिए, और बाकी गिरावट होती है तो बाय ऑन डिप्स करिए, अगर नहीं भी कर सकते तो वेट करिए। 44% की डिलीवरीज देखिए, 3,15,687 यहाँ पर शेयर उठाए गए हैं, यहाँ पर 2205 रुपये का 18 मई को शेयर था, इसके अलावा 5,880 रुपये तक ये शेयर अभी 6 जैन को गया था, उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ पर गिरावट अपसाइड होती हुई नज़र आ रही है। बाकी कंपनी डिविडेंड देती हुई नज़र आ रही है। और अगर बात करें यहाँ पर वोटिंग रिजल्ट से रिलेटेड, मतलब 20 अप्रैल को इनकी मीटिंग हुई थी, तो कभी भी रिजल्ट से रिलेटेड न्यूज़ आ सकती है, और मुझे लगता है कि इस महीने के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आ जाएंगे, और आई थिंक यहाँ पर 5 to 10 days के अंदर अंदर इनके रिजल्ट आ जाने चाहिए। बाकी कंपनी काफ़ी अच्छी है, ओके, लार्ज कैप कंपनी है, डेट की बात करें तो ना के बराबर डेट है, प्लेजिंग की बात करें तो ना ही कोई प्लेजिंग है, 28% के CAGR से पैसा भी यहाँ पर देती हुई नज़र आई है, 10 का फेस वैल्यू है, और ऐसी कंपनी जिसकी फेस वैल्यू 10 होती है स्प्लिट देती हुई नज़र आती है। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं अच्छी खासी कंपनी, देखिए यूनिकॉर्न बिजनेस में यहाँ पर इन्होंने Naukri.com अगर बात की जाए, यहाँ पर Zomato, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों में 99acres, काफ़ी सारी चीज़ों में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, इनके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, FIs की होल्डिंग देखें तो देखिए थोड़ी सी घटाई है, बट स्टिल अगर बात करें 39% की FIs की होल्डिंग है, DIS ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग यहाँ रख रखी है, 10% की होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक की है। तो HNIs वगैरह जो होते हैं ना, या फिर कह सकते हैं कि थोड़े बहुत शायद FIs पैसा निकाल रहे हैं, तो FIs थोड़े बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए मिल रहे हो, बट कोई इशू नहीं है, DIs यहाँ पर खरीदते हुए मिलेंगे। जैसे ही न्यूज़ आ जाएगी Zomato के IPO से, दोबारा शेयर भागता हुआ मिलेगा, और केवल 5% की होल्डिंग ही यहाँ पर इस कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर की है। लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, अच्छा खासा ये शेयर भागता हुआ नज़र आएगा। बाकी इसके रिजल्ट से रिलेटेड अगर मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर आप देख लीजिए रिजल्ट, तो सेल्स देखिए 246 करोड़ की 1151 करोड़ की सेल्स, नेट प्रॉफिट 57 करोड़ का 1220 करोड़ के प्रॉफिट में यहाँ पर कंपनी चेंज हो गई है। मतलब 10 साल के अंदर अंदर कंपनी ने अगर बात करें 2 टाइम्स से भी ज़्यादा, मतलब 20 टाइम्स से भी ज़्यादा यहाँ पर गेन यहाँ
प्राप्त किया है। तो यहाँ पर अगर बात करें रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स भी काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ पर कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते आ रहे हैं। डेट की बात करें 69 करोड़ रुपीज़ का डेट है, ज़्यादा नहीं है। इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है, कैश इक्विवेलेंट अच्छा खासा है, कैश अच्छा खासा कंपनी के पास रखा हुआ है, कैश फ्लो अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है। तो सब चीज़ यहाँ पर सब कुछ आपको अच्छा मिल रहा है, तो ऐसी कंपनी में निकला नहीं करते। बात करते हैं यहाँ पर गिरावट की, तो देखिए कंपनी इसी बेस पर यहाँ पर अगर बात करें काफ़ी टाइम से चल रही है, 21 दिसंबर से बात करें तो अभी तक यहाँ पर कंपनी 6 महीने हो गए, तो यहाँ पर इसी रेंज में ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है। तो एक पैटर्न टाइप में इसने बना रखा है, और मुझे लगता है कि अभी रिजल्ट आने वाले हैं, तो यहाँ से कभी भी कंपनी ये मुड़ सकती है। और एक बार अगर जोमेटो या पॉलिसी बाजार के आईपीओ से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गई कि जोमेटो का आईपीओ आने वाला है, जैसे कि 1-2 महीने में सुनने में आ रही है, तो यहाँ पर से ये जो ट्रेंड चेंज होगा ना, तो फिर ये ट्रेंड चेंज होगा तो आपको गेन देता हुआ नजरेगा। 15% का तो गेन यहाँ पर आपका रखा हुआ है, एज वेल एज अगर बात करें पूरे उसके ऑल टाइम हाई की, तो 27% का गेन अलग से है। बाकी अगर सपोर्ट लेवल की बात करें, यहाँ पर ही एक सपोर्ट लेवल इसका बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर एक बार यहाँ बनाया था, एक बार अगर बात करें तो यहाँ पर भी सपोर्ट बनाता हुआ नजर आया था। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ से अगर गिरावट हुई तो यहाँ पर फिर ये सीधे के सीधे यहाँ पर 4100 के आसपास यहाँ पर ये शेयर ट्रेड करता हुआ हमें भी दिखाई देगा, तो आप यहाँ पर तक के लिए भी तैयार रहिए। और यहाँ पर से फिर नीचे गिरता है तो फिर यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बनता है, तो अलग अलग सपोर्ट लेवल यहाँ पर अगर पिवट पॉइंट्स की बात की जाए तो इस तरीके से ये पॉइंट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। बट मुझे लगता है कि अगर थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ तक आ सकता है, ओके, बट अगर एक बार इसने उल्टा मूव करना शुरू कर दिया, ओके, बाइंग दोबारा से यहाँ पर आ गई, तो अच्छा खासा ये फिर बाइंग होता हुआ नजर आएगा, और अच्छा खासा ही होगा, सीधे एक ही बारी में 10% भागेगा और अच्छा खासा मूव देता हुआ नजर आएगा। वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पर है, बाकी अभी बाइंग इंटरेस्ट हो नहीं रहा, सीधे कंपनी काफ़ी टाइम से गिरती जा रही है कंटिन्यूसली, बट जिस दिन भागना शुरू किया, तीन से चार दिन के अंदर अंदर ये पूरी की पूरी आपका रिकवर करके दे देगा रिटर्न। इसके अलावा बात कर लेते हैं दूसरी कंपनी की, तो दूसरी कंपनी हमारे पास जो है वो है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट की बात की जाए, इसके रिजल्ट आए थे तो मैंने आपको बता दिया था कल की डेट में शेयर गिरता हुआ नजर आएगा, तो उस दिन से ये कंपनी गिरती हुई नजर आ रही है। ऑल टाइम हाई से यहाँ अगर बात करें, ऑल टाइम हाई तो इसका 10,000 के आसपास है, बट अगर बात करें वहीं से ये कंपनी यहाँ पर गिरती हुई नजर आ रही है, और अच्छी खासी लेवल पर गिर चुकी है। लगभग बात करें 35% के आसपास ये कंपनी गिर चुकी है, बट मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो ये कंपनी अभी आई है 2019 में, उसके बाद यहाँ पर अच्छी खासी रैली है, अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है इसका भी, और सेम इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अगर बात करते हैं आज की डेट में तो 1,54,000 की डिलीवरीज यहाँ पर भी उठाती हुई दिखाई दी है, डिविडेंड ने भी कंपनी देती हुई नजर आती है, एज वेल एज फाइनेंशियल रिजल्ट्स यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के। अभी रिजल्ट आए थे, कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेस नहीं है। यहाँ पर अगर बात करें ये भी मिड कैप कंपनी है, और मिड कैप कंपनी का यही होता है कि ये गिरती भी बहुत तेज है और भागती भी बहुत तेज है। जिस दिन भागना शुरू करी उस दिन 10% का भागेगी और अच्छा खासा रिटर्न दे जाएगी, 4% के आसपास ही रिटर्न, ना के बराबर कोई प्लेजिंग नहीं है। अगर बात करें ROCE भी अच्छा है, ROE भी अच्छा है, सब चीज़ यहाँ पर अच्छा यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर देखिए FIs ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है, इस बात को याद रखिए, यहाँ हिस्सेदारी बढ़ाई है। DIs ने बेची थी, FIs ने खरीद ली, DIs ने और प्रमोटर ने बेची थी, FIs ने खरीद ली। यहाँ पर देखिए पब्लिक के पास थोड़ी सी हिस्सेदारी है, पब्लिक में भी अगर बात करें तो यहाँ पर सीधे निकाल देंगे ना आप यहाँ पर 5-6%, तो यहाँ पर सीधे 10% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, बाकी सारी होल्डिंग अच्छी खासे हाथों में है। बाकी अगर बात करें कैश फ्लो अच्छा खासा है, डेट की बात करें कंपनी के पास थोड़ा सा ही डेट है, ज़्यादा इसके पास कंपनी के पास डेट भी नहीं है, और यहाँ पर रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव में रिजर्व्स आ गए हैं। इन्वेस्टमेंट देखिए 2,254 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, कैश फ्लो अच्छा खासा है, कैश इक्विवेलेंट अच्छा खासा है। अगर रिजल्ट की ही बात करते हैं तो कंपनी के इस बार के जो रिजल्ट है पिछले 5-6 साल में सबसे ज़्यादा रिजल्ट 280 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर देख सकते हैं इस बार की जो सेल्स थी वो भी सबसे ज़्यादा होती हुई नज़र आई है, यहाँ पर ईयरली बेसिस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस हाँ थोड़ा सा क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल्स होती हुई नज़र आई है। नेट प्रॉफिट जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह सब चीज़ आपको अच्छा दिखाई दे ना, तो सिंपल सी बात है ऐसी कंपनी में रुकना होता है। और यहाँ पर कंसिस्टेंसी दिखाई दे, यहाँ पर कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो आपको ऐसी कंपनी में रुकी है ना ईयरली बेसिस पे। यहाँ पर देखिए अच्छा खासा यहाँ पर 32 करोड़ का माइनस में रिटर्न थे, 5 साल के अंदर अंदर 280 करोड़ के रिटर्न, तो ऐसी कंपनी आपको रिटर्न भी देती हुई नज़र आएगी। और ये 10 का फेस वैल्यू है, जिस दिन यहाँ पर बोनस अनाउंस हो गया तो भागती हुई कंपनी फिर दोबारा नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ और चीज़ों के बारे में इंटरमार्ट के एक बार टेक्निकल से रिलेटेड, तो इसके जो पॉइंट यहाँ पर पॉइंट्स बन रहे हैं, जो एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है,
अगर यहाँ पर गिरती हुई नज़र आई तो यहाँ पर एक लेवल देखिए, यहाँ पर बन रहा है 6200 रुपये के आसपास, ये इसका 200 डे मूविंग एवरेज हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर जब हो जाए 200 डे मूविंग एवरेज आता हुआ नज़र आएगा ना, यहाँ देखिए 6375 पे बन रहा है। तो अगर इस लेवल पर आती है तो फिर तो बाइंग करना ही करना है आपको, क्योंकि ऐसे फिर अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है। वैसे मुझे लगता नहीं है और ज़्यादा गिरेगा, बट यहाँ क्योंकि जिस तरीके से आज वॉल्यूम थी, मतलब खरीदने वाले लोग ज़्यादा थे, बेचने वाले कम थे, तो यहाँ पर जिस दिन भागना शुरू किया 10% का अच्छा खासा गेन देगा। देखिए 32% का गेन तो यहाँ पर इसके रिसेंट जहाँ से गिर रहा है वहाँ से है, एज वेल एज बात करें 46% के इसके ऑल टाइम हाई से रिटर्न बैठे हुए हैं। और बाकी इसका यहाँ पर अगर हम देखते हैं 30 के RSI पे कंपनी काम कर रही है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इसका पॉइंट रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, और इसके बाद एक रेजिस्टेंस लेवल इसका यहाँ पर 5600 के आसपास, बट मुझे लगता नहीं है गिरावट होगी। ओके, यहाँ पर दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट आना शुरू होगा, बस प्रॉफिट बुकिंग थी, थोड़ी बहुत जिसने करनी थी वो कर ली, दोबारा यहाँ पर खरीदते हुए लोग नजर आएंगे। तो डरने की बात नहीं है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, जहाँ पर फाइनेंशियल्स अच्छे हो वहाँ पर गिरावट में खरीदना होता है, बेचना नहीं होता, हमेशा याद रखना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, दोनों कंपनी बेहतरीन है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिएगा कोई भी पोजिशन बनाने से पहले। नॉलेजेबल वीडियो लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, अगर कुछ इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और हमारी और भी वीडियो अपलोड हो गई है उसे भी जाके देखिए, और नए लोगों को हमारे चैनल के साथ कनेक्ट करिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।